हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑलवेज टुगेदर। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी चिकन, जो बहुत हेल्दी है। मेथी तो बहुत हेल्दी होती है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप सब ने बनाया होगा, हमने भी बनाया है। आप इसे वॉच कीजिए और प्लीज़ ट्राई कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 1.5 किलो ऑफ चिकन। इसको हम चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट से मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। याद रखिएगा, जिंजर गार्लिक नहीं ऐड करना है, सिर्फ चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। और इसको हम 1/2 आवर के लिए रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए, मेथी चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप ऑफ ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी और इलायची, साथ में तेज पत्ता भी ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और दालचीनी भी उसमें अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन ऐड करने के बाद हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए, हमारी ऑनियन लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्योंकि हमारा चिकन का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम जिंजर गार्लिक की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। हमने लिया है 1.5 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से उसमें रोस्ट कर लेंगे, ताकि जिंजर गार्लिक की खट्टी स्मेल चली जाए। इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम थोड़ा क्वांटिटी कम लेंगे, क्योंकि पहले भी हमने मैरिनेट करके रखा था। और हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो, 2 से 3 टमाटो काट के, बारीक काट के डाला है इसमें। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए हमने थोड़ी हरी मिर्च डाली रखी है। हम टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन और उस पर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है हमने, अच्छे से मिक्स करके चिकन को थोड़ा सा पकने देंगे सारे मसालों के साथ। सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चिकन को कसने देंगे, ताकि वो थोड़ा सा पानी छूट जाने के बाद इसकी फ्लेम को मीडियम लो पे कर देंगे। क्योंकि हम मेथी गोश्त बना रहे हैं, इसलिए हमने लिया है मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि उसको थोड़ा हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। हमारा चिकन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आपका चिकन कम है, तो आप थोड़ा कम ही लीजिएगा। चिकन पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून ऑफ गरम मसाला, ये होम मेड है, और 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, ये भी होम मेड है। हम इसकी रेसिपी भी आपको बताएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। गरम मसाला और जीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी, हमारा मेन। देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा पाउडर का और सारे मसालों का जितनी भी ज़्यादा मेथी डालेंगे, वो पकने के बाद थोड़ा कम ही दिखेगी, इसलिए आपको जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं उतनी क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। देखिए, मेथी को अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए पकने दे छोड़ देंगे। मेथी गोश्त बन के तैयार हो चुका है।
गोल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल भी लिया है। ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। देखिए दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस। इसमें लाइट आता है।